अब देखिए, जैसे हम लोग कैपेसिटर के बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम्स कर रहे थे, सिमेट्रिक सर्किट के प्रॉब्लम किए और भी तरह तरह के हमने प्रॉब्लम्स किए, तो इसके अंदर क्या है कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं, ऐसे सवाल रेजिस्टेंस में भी आते हैं, जब आपने रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, कि जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैडर्स होती है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होते हैं। अगर देखें आप तो इसमें जो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं वो इनफाइनाइट हैं। ये देखिए, ये सीरीज इनफिनिटी तक जा रही है। तो इनफाइनाइट लैडर वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। इनफाइनाइट लैडर के सवाल आते रहते हैं, तो इसको, इसका जो कंसेप्ट है इनफाइनाइट लैडर के क्वेश्चन का कंसेप्ट, तो बस इतना सा होता है कि भाई अगर आप इन्फिनिटी में से एक कम कर दोगे या इन्फिनिटी में एक ज्यादा कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाल लोगे या समुद्र में एक बाल्टी पानी डाल दोगे तो समुद्र का जो लेवल है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, इनका बेसिक थीम यही होता है कि आप इसमें से एक लैडर कम कर दो या एक लैडर ज्यादा कर दो, जो इक्विवेलेंट होगा वो वही का वही रहेगा। इस तरह के सवालों का बेसिक यही है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। आप 4 मिनट का पॉज रखिएगा, सॉल्व कीजिएगा पूरे एफर्ट के साथ इस क्वेश्चन को, फिर उसके बाद जो है मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। तो खैर, मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। इसमें देखिए, टू सी इन्फिनिटी तक, इधर ऊपर वाले में सी इन्फिनिटी तक है। आपसे कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट बताओ ए और बी के बीच, ठीक है। तो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट आपको निकालना है। क्वेश्चन क्या है मैं लिख दे रहा हूं, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच सी इक्विवेलेंट पता लगाओ, ए है और बी है, इसके बीच सी इक्विवेलेंट पता लगाओ। तो जैसे ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। अब जैसे मान लीजिए, इस क्वेश्चन को हम अप्रोच ऐसे करेंगे कि मान लीजिए कि मैं इस लैडर को इधर से देखूं, इस तरफ से मैं लैडर को देखूं, तो मुझे कुछ दिखाई पड़ेगा, कुछ मेरे दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी। जैसे मैं अगर इस लैडर को यहां से देखूंगा तो कुछ मेरे दिमाग में कैसे स्क्रीनशॉट टाइप का कुछ ऐसा बन जाएगा, ये लैडर मुझे दिखाई पड़ेगी। अब मान लीजिए कि जैसे ये पॉइंट ए था, मैं इस पॉइंट को ए डैश मान लेता हूं और इसको बी डैश, और मैं यहां इस जगह से इस लैडर को देखूं, तो भी जो दिखाई पड़ेगा वो एग्जैक्टली वही होगा जो पहले दिखा था मुझे। क्योंकि भाई अल्टीमेटली अगर मैं यहां से देखूंगा तो एक लैडर कम होगी, वही बात है कि इन्फिनिटी में से एक कम करोगे एक ज्यादा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर मैं या ऐसे समझो, आप इसको थोड़ा सा उस तरह से कि एक आंख निकाल के मैं यहां रख दूं, एक आंख यहां रख दूं, और ये दोनों आंखें इस सर्किट को देखें तो कुछ दिखेगा, फिर वही दोनों आंखें मैं यहां ले जाके रख दूं और इधर देखूं तो जो दिखेगा वो एग्जैक्टली वही दिखेगा जो पहले दिखा हुआ था, ठीक है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि ए और बी के बीच जो इक्विवेलेंट होगा वही इक्विवेलेंट ए डैश और बी डैश के बीच होगा। तो ए और बी के बीच जो इक्विवेलेंट है उसको मैं मान लेता हूं कि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट एक्स के बराबर है, ठीक है। तो हमें ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है, तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट मैं एक्स के बराबर मान लेता हूं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, यहां से यहां के बीच अगर ए और बी के बीच इक्विवेलेंट एक्स होगा तो ए डैश और बी डैश के बीच भी इक्विवेलेंट एक्स ही आएगा। तो अब इन दोनों पॉइंट के बीच का जो इक्विवेलेंट है वो एक्स है, ए और बी के बीच का अगर एक्स होगा तो ए डैश और बी डैश के बीच का भी एक्स होगा, क्योंकि इन्फिनिटी में से एक आप कम कर दोगे, मतलब अगर आप यहां से देखो तो जैसा सर्किट होगा, यहां से देखने पर भी वैसा ही सर्किट होगा। तो अगर आप इन्फिनिटी से एक कम कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ए डैश और बी डैश के बीच इक्विवेलेंट एक्स होगा और ए और बी के बीच भी एक्स ही होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ए और बी के बीच निकालता हूं तो ये दोनों आ जाएंगे सीरीज में और उसके साथ ही आ जाएगा पैरेलल में। अब अगर ये दोनों सीरीज में आ गए, ये सी और एक्स ये दोनों सीरीज में आ गए, तो इनका इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा सी एक्स अपॉन सी प्लस एक्स, और इन दोनों के साथ ये वाला देखें ध्यान से तो पैरेलल में आ गया। तो अब हम इसके अंदर ये जो था ये 2c था, 2c हमने जोड़ दिया, तो अब a और b के बीच का इक्विवेलेंट आ गया, ये दोनों पैरेलल में, सॉरी ये दोनों सीरीज में, उसके साथ ये पैरेलल में, तो a और b के बीच का इक्विवेलेंट ये आ गया। और a और b के बीच का इक्विवेलेंट हम पहले से जानते हैं x के बराबर है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मैं यहां लिख देता हूं, ये सी एक्स अपॉन सी एक्स प्लस टू सी इज इक्वल टू एक्स था। तो अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो मैं सी प्लस एक्स से सब मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, इस नीचे वाले से पूरे को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, हो जाएगा सी एक्स प्लस टू सी इंटू सी प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू सी प्लस एक्स, यह आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया सी एक्स प्लस टू सी स्क्वायर, हो गया सी एक्स प्लस टू सी स्क्वायर प्लस टू सी एक्स इज इक्वल टू
सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये सी एक्स से सी एक्स चला गया, इधर ये सी एक्स है, ये सी एक्स चला गया और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू सी एक्स माइनस टू सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब हम इसको अगर सॉल्व करें, ठीक है, तो इसके अंदर अपन फैक्टराइज कर सकते हैं या श्रीधराचार्य कुछ भी लगा सकते हैं, तो हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं। तो ये फैक्टराइज तो क्या होगा इसकी, उसमें श्रीधराचार्य से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो x की जो वैल्यू आएगी, जो भी x की वैल्यू आएगी, वो बराबर होगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। तो वो जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल हो जाएगा माइनस बी यानी टू सी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब फोर सी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए की वैल्यू वन है और सी जो है वो माइनस टू सी स्क्वायर होगा अपॉन टू, ये हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे ये फोर सी स्क्वायर है और ये एट सी स्क्वायर है, तो ये फोर सी स्क्वायर और एट सी स्क्वायर ट्वेल्व सी स्क्वायर, ट्वेल्व सी स्क्वायर का रूट जो हो जाएगा टू रूट थ्री सी हो जाएगा। तो ये इसको मैं फर्दर जब सॉल्व करके लिखूंगा तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा सी प्लस माइनस रूट थ्री सी, टू से टू चला जाएगा, ये जो अंडर रूट ट्वेल्व सी स्क्वायर है तो वो टू रूट थ्री सी हो जाएगा, टू से टू चला जाएगा, ये वाला भी टू चला जाएगा, तो सी प्लस माइनस रूट थ्री सी। अब यहां पे कैपेसिटेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये मैं पॉजिटिव वाला ले लूंगा तो ये जाएगा सी वन प्लस रूट थ्री, ये एक्स की वैल्यू आ गई और यही ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट है। रिपीट करता हूं मैं एक बार फिर से सुनिएगा, कंसेप्ट इस तरह के जो सवाल होते हैं उसमें थीम ही होती है कि इन्फिनिटी में से एक निकाल दो या इन्फिनिटी में एक डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह के सवालों का थीम यही है, बेसिक थीम यही है कि आप इन्फिनिटी में से एक हटाओगे या इन्फिनिटी में एक डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जो इन्फिनिटी था, ठीक है, ये इन्फाइनाइट लैडर थी, तो जो इक्विवेलेंट इन दोनों पॉइंट के क्रॉस होगा वही इसके क्रॉस होगा, इसके क्रॉस मैं इसके क्रॉस मैंने एक्स माना तो इसके क्रॉस भी एक्स हो जाएगा, तो इसके क्रॉस मैंने एक्स लिख दिया। अब अगर इसके क्रॉस एक्स है तो इसके क्रॉस भी एक्स होगा। अब इसके क्रॉस हम कैसे निकालेंगे, ये दोनों सीरीज में उसके साथ ही पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में तो सी एक्स अपॉन सी प्लस एक्स उसके साथ ही पैरेलल में टू सी, तो इसके क्रॉस भी एक्स ही आ जाएगा, फिर इसको मैंने एक्स कर दिया, फिर सॉल्व किया, फिर उसके बाद गणित है, एक श्रीधराचार्य लगाए सॉल्व वॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो जो एक्सप्रेशन आया वो इस तरह से आ गया। ये खास तरह का सवाल होता है कैपेसिटर के अंदर, तो ये जो सवाल होता है इसके अंदर क्या होता है कि सवाल देखने में तो ये आसान लगता है लेकिन ये सवाल आसान सवाल नहीं है। कारण क्या है कि आप इसमें जैसे देखने में पहली नजर में ये समझ में आता है कि ये तो भाई जो है वो वीट स्टोन ब्रिज है, लेकिन वीट स्टोन ब्रिज ये नहीं है, क्योंकि अगर आप इसका इसका रेशियो देखोगे तो इसके इसके बराबर नहीं आ रही है, वन बाई टू आ रही है, टू बाई वन आ रहा है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, तो ये वीट स्टोन ब्रिज नहीं बन पाता है। वीट स्टोन ब्रिज नहीं बन पाता है तो इसके अंदर ना आपको सीरीज कॉम्बिनेशन मिलेगा, ना पैरेलल मिलेगा, ना वीट स्टोन मिलेगा, तो उस कंडीशन में फिर हम लोग जैसे जब सीरीज पैरेलल वीट स्टोन नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में हम लोग इस क्वेश्चन को एक खास तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम ये मान लेते हैं कि एक बैटरी इन दोनों के बीच लगा दी गई है और इस बैटरी का वोल्टेज ड्रॉप V के बराबर है, और अगर बैटरी से चार्ज Q निकल के जाता है तो Q जो होता है वो CV के बराबर होता है, तो ये जो Q आएगा ये बराबर हो जाएगा C इक्विवेलेंट इनटू V। मैं मान लेता हूं कि इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस हमने बैटरी लगा दी, बैटरी का ड्रॉप V के बराबर है और बैटरी से गुजरने वाला चार्ज V के बराबर है, तो Q जो है वो C इक्विवेलेंट इनटू V आ जाएगा, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी ये Q अपॉन V के बराबर है। अगर हम किसी तरह Q और V का रेशियो निकाल लें तो हमें इस सर्किट का C इक्विवेलेंट निकल आएगा। तो इसमें अब अपना टारगेट ये रहा कि हम जो चार्ज इसमें फ्लो किया है उसको और वोल्टेज को रिलेट कर लें, मैंने चार्ज को अगर हम V के टर्म में लिखेंगे तो V से V कट जाएगा और C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आनी है वो आ जाएगी। तो अब ये जो सवाल है इसको मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूं, आप ऐसा करेंगे कि 3 मिनट का पॉज लेंगे, ट्राई करेंगे और उसके बाद फिर मेरा सोल्यूशन देखेंगे, तब आप इस बात को और अच्छे से फील कर पाएंगे। तो अब जैसे देखिए, मैंने मान लिया कि यहां से क्यू चार्ज गया है, इस क्यू चार्ज में से एक्स इस वाली प्लेट पर आ गया है,
अगर इस प्लेट पे x आया है तो इस वाली प्लेट पे माइनस एक्स आ जाएगा, इस वाली प्लेट पे मैंने y मान लिया है तो यहाँ माइनस वाई आ जाएगा। कैपेसिटी इसकी c है, इसकी 2c थी कैपेसिटी। अब देखिए, एक इसके अंदर रजिस्टर में भी मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कराया था, इसके अंदर ये इनवर्स सिमेट्री है, इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है। तो इनवर्स सिमेट्री में क्या होता है कि जो इसका चार्ज होगा वो इसका चार्ज हो जाएगा। तो जैसे इसमें वाई है, इसमें माइनस वाई है, तो इस पे भी वाई हो जाएगा, इस पे भी माइनस वाई हो जाएगा, और इस पे एक्स है तो इस पे भी एक्स हो जाएगा। ये एक्स है तो ये माइनस एक्स होगा, मतलब इन दोनों, चूंकि इन दोनों का कैपेसिटेंस बराबर था, इसका सी था, इसका भी सी था, इसका टू सी था, इसका टी था, इस पे चार्ज और इस पे चार्ज बराबर होगा। अच्छा देखिए, यहां से वाई चार्ज निकला था, यहां से वाई चार्ज निकला था, सिर्फ यहां एक्स ही पहुंचा, तो इस वाली प्लेट पे हो जाएगा वाई माइनस एक्स, और इस वाली प्लेट पे हो जाएगा एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो अब इन पे चार्जेस का हमने डिस्ट्रीब्यूशन मान लिया, इसके ऊपर चार्ज जो था वो एक्स के बराबर था, ठीक है, ये वाला जो प्लेट थी इसके ऊपर चार्ज x के बराबर था, इसके ऊपर y के बराबर था, और इस तरह से हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मान लिया। अब हम चार्ज और पोटेंशियल में रिलेशन निकालने जा रहे हैं। चार्ज और पोटेंशियल का रिलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस बैटरी के लिए मैं KVL लगाऊंगा, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ KVL लगाऊंगा, और मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, मान लो यहां से स्टार्ट करता हूं, इस जगह से यहां से यहां तक जाऊंगा तो पोटेंशियल V बढ़ जाएगा, फिर यहां से यहां तक जाऊंगा कुछ नहीं होगा, फिर यहां से यहां तक जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा। और किसी भी कैपेसिटर का ड्रॉप होता है, ध्यान से सुनिएगा, कैपेसिटर का ड्रॉप होता है Q बाई C, जहां पर Q इसकी पॉजिटिव प्लेट का चार्ज है। तो मैं यहां से यहां तक जाऊंगा तो जो पोटेंशियल घट जाएगा वो घटेगा Y बाई C, फिर यहां से यहां तक जाऊंगा तो और पोटेंशियल घटेगा, इस बार कितना घट जाएगा, ये सॉरी ये कैपेसिटेंस 2C था, तो यहां से यहां तक मैं जाऊंगा तो इस बार ये कितना घट जाएगा, X बाई 2C। फिर मैं यहां पहुंच गया, यहां से यहां तक कोई चीज नहीं, यहां से यहां तक कोई चीज नहीं, फिर वहीं से वहीं पे पहुंच गया जहां से चले थे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे जीरो के बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू टू वी, ये हो गया पहला इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई करें, पूरे से मल्टीप्लाई कर दें, 2c से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 2cv, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2cv, ये इक्वेशन नंबर वन आ गया। एक इक्वेशन हमको और चाहिए x और y की वैल्यू निकालने के लिए, तो मैं ये वाला जो लूप है इस पे KVL लगा देता हूं। तो अगर इस लूप पे KVL लगाया जाए तो यहां से यहां तक मैं जाऊंगा, देखें इस जगह तक जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा वाई बाई सी, यहां से यहां तक जाऊंगा तो घटेगा वाई माइनस एक्स बाई सी, फिर मैं यहां से यहां तक जाऊंगा तो बढ़ेगा x बाई टू सी। अब इस पूरे को मैं सॉल्व करूं, 2c से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा माइनस, इस पूरे को सिंप्लीफाई किया जाए तो x बाई टू सी जो आएगा ये बराबर हो जाएगा 2y बाई सी प्लस, नहीं 2y बाई सी माइनस x बाई सी। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो x बाई टू सी, इसको पूरे को इधर ले गया तो ये हो जाएगा 2y बाई सी माइनस x बाई, ये हो जाएगा इसके बराबर। पूरे को मैं 2c से मल्टीप्लाई कर दूं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4y, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2x, ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो गया 4y माइनस 2x या 3x इज इक्वल टू 4y, एक इक्वेशन ये आ गया। अब यहां पे 3x इज इक्वल टू 4y है, ये हो गया इक्वेशन नंबर टू, दूसरा इक्वेशन। इसको मैं यहां पुट करता हूं तो जैसे x की जगह 4y बाई 3 आ जा रहा है, x की जगह मैं रखता हूं 4y बाई 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 2cv, ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 10 10 y बाई 3 इज इक्वल टू 2cv, तो y हो जाएगा आपका 3cv अपॉन 5, ये y की वैल्यू आ जाएगी। और मैं y की वैल्यू जब यहां रखूंगा तो x जो है हो जाएगा 4cv अपॉन 5, y की वैल्यू, वो जो y की वैल्यू आई थी ना मैंने यहां रख दी, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच्चे का 4, तो ये 4cv अपॉन 5 हो जाएगा। तो x की ये वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम अगर इसको
एक्स और वाई की वैल्यू हमें पता ही चल गई है, तो जो सी इक्वलेंट आया था ये क्यू बाई बी आया था, तो सी इक्वलेंट जो आया था ये क्यू बाई बी था। अच्छा, जो चार्ज यहां से क्यू आया है वही दो हिस्सों में बटा है, तो क्यू की जगह हो जाएगा एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहां से अगर मैं देखूं तो चार तीन सात, तो ये सेवन सी बी अपॉन फाइव हो जाएगा, ये सेवन सी बी अपॉन फाइव, और एक वी आ जाएगा, वी से वी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा सेवन सी अपॉन फाइव के बाद। तरीका क्या होता है इस तरह के सवालों में कि जब हमें ये नहीं वीट स्टोन सीरीज पैरेलल ये सब कुछ भी नहीं मिल रहा है हमें, तो हमारे पास अंतिम जो अस्त्र होता है वो केवीएल होता है। इस बात को आप समझ लीजिए कि जैसे मैकेनिक्स में सवाल, कोई मैकेनिक्स का सवाल है आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, तो उसमें अगर आप न्यूटन्स लॉ लिखो और थोड़ी देर तक एफबीडी वगैरह बनाओ और सवाल को देखो ध्यान से, तो रास्ता मिल जाता है। अगर थर्मोडायनेमिक्स का कोई सवाल है नहीं समझ में आ रहा है आपको क्या करना है, तो पीवी बराबर एनआरटी लिखो और थोड़ी देर तक सवाल को देखो, तो आपको रास्ता मिल जाएगा, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि सवाल इस तरह से होगा। तो उसी तरह से जब ये जो इलेक्ट्रो के अंदर, करंट के अंदर, कैपेसिटर के अंदर जब सवाल, जब कोई रास्ता नहीं रहता, कोई भी अंत में कोई आपको मिलता ही नहीं रास्ता ये किसी तरह से भी काम हो, तो केवीएल इसमें काम करता है, केसीएल केवीएल हेल्पफुल होते हैं। तो जैसे इसमें हमें पता नहीं था तो हमने इस पे चार्ज एक्स मान लिया, इस पे वाई मान लिया, तो यहां से जो चार्ज गया था वो एक्स इस पे चला गया, वाई इस पे चला गया। अब अगर एक्स इस पे तो इस पे भी एक्स होगा क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर सब बराबर थे, ये सी है तो ये भी सी था, वाई इस पे तो वाई इस पे भी होगा। अब इसका मतलब यहां से वाई चार्ज निकला और इस वाले पे एक्स ही पहुंचा, तो इस वाले पे वाई माइनस एक्स होगा, तो इस पे वाई माइनस एक्स, तो इस प्लेट पे एक्स माइनस वाई, ये आ गया। अब मुझे कुल मिला के क्या करना है कि मुझे सी इक्विवेलेंट जो है वो क्यू अपॉन बी है, और क्यू की जगह हम एक्स प्लस वाई मान रहे हैं, भाई जो चार्ज जो क्यू गया है वो एक्स इधर गया वाई इधर गया, तो एक्स प्लस वाई अपॉन वी, ये सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, सी इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो एक्स प्लस वाई अपॉन वी के बराबर जाएगी। अब हमने क्या किया, एक बार ये वाले लूप पे, बड़े वाले लूप पे केवीएल लगाया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक बार छोटे वाले लूप पे केवीएल लगाया, और दो इक्वेशन बने, दो अननोन थे, एक्स वाई की वैल्यू हमने निकाली, निकाल के यहाँ पे पुट करा, सॉल्व किया, तो जो सी इक्विवेलेंट आ गया वो 7/5 के बराबर आ गया। एक कैपेसिटर के अंदर क्यू प्रॉब्लम आता है, जैसे रेजिस्टेंस में मैंने आपको कराई थी क्यू प्रॉब्लम, वैसा ही एक क्यू प्रॉब्लम कैपेसिटर में भी आता है। और ये जो कैपेसिटर वाला क्यू प्रॉब्लम होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी क्यूब है तो क्यूब के छह फेसेस होते हैं, जैसे ये कमरा आप देख लें तो इस कमरे में चार तो दीवारें हो गई, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, तो क्यूब के छह फेसेस होते हैं, आठ जो है किनारे होते हैं। अगर इस रूम में आप कॉर्नर्स, वैसे तो आपको दिख नहीं होगा सिर्फ बॉडी दिख रहा होगा, लेकिन आप किसी भी रूम में देखेंगे तो आठ किनारे मिलेंगे, और जो नंबर ऑफ साइड्स होती हैं वो 12 होती हैं, 12 साइडें होती हैं किसी भी क्यूब में। तो जैसे मान लीजिए कि ये क्यूब है इस टाइप का, और इस क्यूब के अंदर जितनी भी साइडें हैं इन सब पर हमने एक कैपेसिटर लगा दिया। ये एक स्टैंडर्ड सवाल है, ये सवाल मैं आपको कराऊंगा, जितनी भी साइडें हैं सब पर एक क्यूब लगा दिया, तो क्यूब में 12 साइडें होती हैं, ये सब लोग ध्यान रखिएगा, 12 साइडें होती हैं, तो 12 कैपेसिटर लगेंगे यहां पर। और एक ये वाली जो पीछे वाली साइड थी इसमें भी एक कैपेसिटर लगेगा, और एक यहां भी लगेगा। रेजिस्टेंस में भी याद कीजिए मैंने ऐसा सवाल कराया था आपको, क्यूब वाला सवाल। तो ये जो क्यूब है इसके अंदर 12 जो है वो साइडें हैं, और 12 पर हमने जो है एक एक वो लगा दिया है। अब जैसे ये वाला जो है इसको मैं ए बी सी डी बोल रहा हूं, ए बी सी डी जो बेस है उसको ए बी सी डी बोल रहा हूं, और जो उसका टॉप फेस है उसको मैं पी क्यू आर एस बोल रहा हूं, ठीक है। और जितनी भी ये यहां पर कैपेसिटर्स हैं उन सब का, जितने भी कैपेसिटर्स हैं उन सब का जो कैपेसिटेंस है वो सी के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज सी, कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज सी, फाइंड द इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड आर
फाइंड इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड आर। तो इसके अंदर आप देखें तो 12 साइडें हैं, तो 12 कैपेसिटर होंगे, तो इसमें हमने 12 कैपेसिटर लगा दिया और हर कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो सी के बराबर है। जितने भी कैपेसिटर्स हैं उन सबका कैपेसिटेंस सी के बराबर है। तो आप ए पॉइंट और आर पॉइंट के बीच आपको इक्विवेलेंट निकालना है। तो अब अगर आपको ए और आर के बीच इक्विवेलेंट निकालना है, जैसा कि रेजिस्टेंस में मैंने जो आपको तरकीब बताई थी, तो इसके अंदर भी दो तरीके होते हैं, दो मेथड्स होते हैं इस क्वेश्चन को करने के। तो मैं आपको पहला मेथड बता रहा हूं जिसमें हम लोग केवीएल के थ्रू अप्रोच करेंगे। तो आप 3 मिनट का पॉज रखेंगे, 3 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे घड़ी के हिसाब से, फिर नहीं सॉल्व होगा तो मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें पहला जो मेथड है केवीएल वाला जो मेथड है वो मैं बता रहा हूँ। केवीएल वाले मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी लगाते हैं, जिसके जिसके बीच हमें इक्विवेलेंट निकालना है उसके उसके बीच हम एक बैटरी लगा देते हैं, और बैटरी का ड्रॉप अगर वी है और बैटरी से गुजरने वाला चार्ज क्यू है, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है सी इक्विवेलेंट जो आता है वो क्यू अपॉन वी हो जाता है। हमने क्या किया है कि इसमें तो कि सीरीज पैरेलल और कुछ हीट स्टोन ऐसा कुछ आपको दिख नहीं रहा है, तो हमने जिन दोनों पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट निकालना है उनके बीच में एक बैटरी लगा देते हैं। अब बैटरी लगाने के बाद फिर हम लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। अब देखिए जैसे इससे क्यू चार्ज गया और वोल्टेज वी है, तो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्यू का ही भी होगा। अब जैसे जैसे क्यू गया है यहाँ पर, यहां से मान लीजिए यहां से क्यू चार्ज गया, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो ये जो क्यू चार्ज है उसको यहां से यहां जाना है, इस क्यू चार्ज को इस जगह से इस जगह जाना है, और उसको 3 रास्ते मिलेंगे। एक ये रास्ता ए बी मिलेगा, एक ये रास्ता ए डी मिलेगा, और एक ये रास्ता ए पी मिलेगा। अब इन 3 रास्तों में उसके लिए तीनों रास्ते एकदम एक जैसे, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो इधर वो चला जाएगा क्यू बाई थ्री, इधर चला जाएगा क्यू बाई थ्री, वो इधर चला जाएगा और क्यू बाई थ्री इधर चला जाएगा। अब देखिए यहां से जैसे इस वाली प्लेट पर क्यू बाई थ्री गया, यहां से माइनस क्यू बाई थ्री यहां पर है, तो यहां से क्यू बाई थ्री चला होगा। अब ये जो क्यू बाई थ्री यहां से चला होगा, इसको यहां से यहां तक जाने के 2 रास्ते मिलेंगे, एक ही वाला रास्ता मिलेगा, एक ही वाला रास्ता मिलेगा, तो आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, आधे का मतलब क्यू बाई सिक्स इधर चला जाएगा और क्यू बाई सिक्स इधर आ जाएगा। तो इधर क्यू बाई सिक्स आ गया। अब इधर से देखिए यहां से जो यहां माइनस क्यू बाई थ्री है, ये प्लेट पे पहले 0 चार्ज था, तो यहां से जो क्यू बाई थ्री चलेगा आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर, तो इधर आ जाएगा क्यू बाई सिक्स। अब देखिए यहां माइनस क्यू बाई सिक्स है, तो यहां से क्यू बाई सिक्स चला होगा, यहां से भी क्यू बाई सिक्स चला होगा, तो ये वाली जो प्लेट है इस पर क्यू बाई थ्री हो गया होगा, इस प्लेट पे क्यू बाई थ्री हो गया होगा, इस पे माइनस क्यू बाई थ्री हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग प्लेटों का हमने चार्ज का कॉम्बिनेशन निकाल लिया। अब ध्यान से देखते जाइए, अब मैं केवीएल लगाऊंगा, यहां से स्टार्ट करता हूं, आर से चालू करता हूं और आर ही पहुंचूंगा, यहां से यहां तक जाऊंगा कुछ नहीं होगा, यहां से यहां तक जाऊंगा तो पोटेंशियल वी बढ़ जाएगा, फिर यहां से यहां तक जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, फिर मैं ऐसा करता हूं कि यहां से यहां जाता हूं, देखिए ए से बी जाता हूं, ए से बी जाता हूं तो पोटेंशियल क्यू बाई सी घट जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस क्यू बाई थ्री सी, चार्ज क्यू बाई थ्री था तो पोटेंशियल क्यू बाई थ्री सी हो जाएगा। फिर यहां से यहां तक जाऊंगा तो और घटेगा पोटेंशियल, यहां से यहां तक जाने पोटेंशियल घट जाएगा क्यू बाई सिक्स सी, इस पर चार्ज क्यू बाई सिक्स था, फिर यहां से यहां जाऊंगा फिर घट जाएगा क्यू बाई थ्री सी, फिर यही पहुंच गया आर, तो जीरो हो गया। अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आप देखिए वी इज इक्वल टू कितना जा रहा है, क्यू बाई सी तो कॉमन हो गया और ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6 ये हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा क्यू बाई सी इंटू 5/6 क्यू बाई सी इंटू 5/6। तो अब अल्टीमेटली सी इक्विवेलेंट क्यू बाई बी के बराबर होता है, तो क्यू बाई बी की वैल्यू यहां से क्या जाएगी, सी इक्विवेलेंट जो था अगर यहां से देखें तो क्यू बाई बी के बराबर था, अब यहां से अगर मैं क्यू बाई बी देखूंगा तो ये हो जाएगा 6C/5 यह जाएगा, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया इसका। तो इसमें जो सिमेट्री है उस सिमेट्री का यूज करेंगे हम लोग और केवीएल लगाएंगे। तो इसमें मैंने मान लिया कि जैसे यहां से इस जगह से क्यू चार्ज आया तो एक तिहाई इसमें जाएगा, एक तिहाई इसमें, एक तिहाई इसमें, फिर एक तिहाई जो इसमें गया वो जब यहां से यहां पहुंचेगा तो आधा इधर चला जाएगा, यानी 1/6 इधर चला जाएगा, 1/6 इधर, फिर उसी तरह से यहां से देखिए 1/3 आया था, 1/6 इधर चला जाएगा, 1/6 इधर। अब मैं इस वाले लूप के लिए, ये जो लूप था इसके लिए केवीएल लगाया, यहाँ क्यू बाई थ्री सी, फिर यहाँ क्यू बाई सिक्स सी, फिर यहाँ क्यू बाई थ्री सी, फिर यही पहुंच गया और सॉल्व किया
तो क्यू बाई वी की जो वैल्यू आई वो 6c/5 के बराबर आ गई, तो जो c इक्विवेलेंट आ जाएगा ये 6c/5 के बराबर आ जाएगा। देखें आप, तो जैसे ये क्वेश्चन जो था इसको करने का मैंने एक मेथड आपको सिखाया, अब इसी क्वेश्चन को करने का मैं दूसरा मेथड सिखाता हूं, वो भी सिमेट्री आर्गुमेंट। दोनों मेथड हमको जानने, दोनों मेथड मैंने आपको रजिस्टर में भी बताए थे, दोनों मेथड यहां भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो अब जैसे मैंने मान लीजिए कि एक बैटरी यहां पर लगा रखी है, चार्जेस के कंटेक्स्ट में तो बात हो ही गई थी, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये जो पॉइंट है उससे जितनी दूरी पर डी है उतनी ही दूरी पर बी है और उतनी ही दूरी पर पी है। दूरी का मतलब इन दोनों के बीच में जो सर्किट है एकदम वैसा है, ये भी सर्किट वैसा है, ये भी सर्किट वैसा है। तो अब क्या है कि यहां से इन तीनों पॉइंट, चूंकि पी बी डी और पी बराबर दूरी पर है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि बी डी और पी का पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर मैं ए से स्टार्ट करूं, ए से, ए पॉइंट से स्टार्ट करूं, तो पी का, बी का, डी का पोटेंशियल सेम होगा। अब पोटेंशियल सेम होगा तो हम ऐसा मान सकते हैं, जैसे ये वाला जो पॉइंट आया ए से, इसको मैंने बी बोल दिया, फिर उसके बाद दूसरा वाला जो कैपेसिटर है उसको मैंने डी बोल दिया, और तीसरा वाला जो आ रहा है वो पी आ रहा है, इसको मैंने पी बोल दिया। तो अब आप ध्यान से देखें, पी का, इसका, इसका, इसका पोटेंशियल सेम था, तो ये तीनों जो कैपेसिटर हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये पैरेलल में आ गए। उसी तरह से मैं इधर से स्टार्ट करता हूं, अगर आर से स्टार्ट करूं, तो आर से अगर आप देखो तो ये आर से ये वाला पॉइंट सी दूरी पर है, ये वाला भी सी दूरी पर है, ये वाला भी सी दूरी पर है। तो आर के हिसाब से देखा जाए तो ये तीनों पॉइंट एस, क्यू और सी, ये तीन पॉइंट एकदम एक जैसे हो जाएंगे, एस हो गया, मैंने इसको S मान लिया, इसको मैंने Q मान लिया और इसको C मान लिया। तो तीन कैपेसिटर ये पैरेलल में आ गए, तीन ये पैरेलल में आ गए। अब आप ध्यान से देखें तो S, Q और C जो है, और इधर V, D और P, इनके बीच में छह कैपेसिटर लगे हुए हैं। अगर आप थोड़ा अच्छे से देखें, इन सब के बीच में छह कैपेसिटर लगे हुए, एक, दो, ये जो छह पॉइंट हमने बोले हैं ना, इन छह पॉइंट के बीच में छह कैपेसिटर लगे हुए हैं और वो सब आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों एक ही पोटेंशियल है, ये तीनों एक ही पोटेंशियल है, तो इनके बीच में जो कुछ भी होगा वो सब एक ही पोटेंशियल पर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर आप देखें ना तो बी पी और डी के बीच, और एस क्यू सी के बीच में छह कैपेसिटर है, ये तीनों एक पोटेंशियल है, ये तीनों एक पोटेंशियल है, तो इनके बीच में जो भी छह कैपेसिटर है वो सबके सब पैरेलल माने जा सकते हैं। तो ये अरेंजमेंट हो गया। अब ध्यान से देखें, ये वाला कितना है, 3c, सी 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 3c, ये सी 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 6c और ये 3c। तो अब मैं इसी का, अगर ये जो सर्किट है ए और आर के बीच में, इसका मैं इक्विवेलेंट लिखना चाहूं तो इसका इक्विवेलेंट कुछ इस टाइप से आ जाएगा। इधर हो गया आपका 3c, 6c, फिर से 3c। अब मैं अगर इस पूरे का इक्विवेलेंट निकालना चाहूं ए और आर के बीच, अगर मैं इस पूरे का इक्विवेलेंट निकालना चाहूं तो 1/c इक्विवेलेंट जो आएगा, 1/c इक्विवेलेंट ये हो जाएगा 1/3c प्लस 1/6c प्लस 1/3c। इसको हम सॉल्व करेंगे तो जैसे नीचे मान लीजिए मैंने 6c कॉमन ले लिया, तो ये जाएगा 2 + 1 + 2, यहां जाएगा। फिर फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व करने पर जो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी, सी इक्विवेलेंट जो आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 6c/5। देखिए पिछले वाले मेथड से जो हमने किया था उससे भी यही 6c/5 आया, इस मेथड से भी 6c/5 के बराबर जाएगा। इसमें नियम क्या था कि ये तीन पॉइंट एस क्यू सी ये पैरेलल में आ गए, इधर आपके बी डी और पी पैरेलल में आ गए। अब ये तीन और ये जो तीन थे, ये एस क्यू सी इक्वल पोटेंशियल पे था और ये तीनों भी इक्वल पोटेंशियल पे थे, तो इनके बीच जितने भी कैपेसिटर होंगे वो सब पैरेलल में आ जाएंगे। तो अब ये छह पैरेलल में, फिर ये तीन पैरेलल में, फिर ये तीन पैरेलल में, और उसके बाद फिर इनके सीरीज कॉम्बिनेशन, और फिर उसके बाद इनको हमने सॉल्व कर लिया। तो जैसे हमने अभी आपको सिखाया सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के सवाल, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हीटस्टोन, KVL, इन सबसे बहुत सारे तरह के सवाल बनते हैं। तो जितने भी कॉम्बिनेशन के, या जैसे आप समझ सकते हैं कि जितने भी टाइप के कैपेसिटर में सवाल हो सकते थे ना, सिमेट्रिक सर्किट और सीरीज पैरेलल के, वो सारे मैंने करा दिया आपको।
जितने भी टाइप के हो सकते थे। अब आपको क्या करना है कि हर स्टैंडर्ड वैरायटी का एक क्वेश्चन देखना है, और देखने के बाद जो भी आपका बुक होगी, जो भी आपके पास शीट होगी, चाहे वो एलएन की शीट हो, रेजोनेंस की शीट हो, बंसल की शीट हो, जो भी हो, आप उसको सॉल्व करेंगे, या जो हम लोग प्रोवाइड अगर हमसे मांगेंगे तो हम शीट देंगे। तो जो भी आप शीट सॉल्व करेंगे, आपको हर वैरायटी का सवाल मैंने करा दिया है। अब अलग बात है कि थोड़ा इसमें डेटा चेंज हो जाएगा, थोड़ा इधर का कैपेसिटर इधर लग जाएगा, तो जितने भी वेरिएशन होते हैं वो सारे वेरिएशन जो है वो आप अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे, और फिर उसको हम लोग जब कभी मौका मिलेगा आपस में बातचीत करके डिस्कस करेंगे। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि आरसी सर्किट, एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा दिया जाएगा। तो हमने ये देखा था कि शुरुआत में क्या होता है, एकदम शुरुआत में अगर आप देखोगे तो जैसे ही सर्किट अगर आप ऑन करोगे तो कैपेसिटर एक वायर की तरह बिहेव करता है। लंबे समय के बाद मैंने आपको बताया था, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कैपेसिटर बिहेव लाइक एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, बहुत लंबे समय के बाद कैपेसिटर एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। तो टी बराबर जीरो पे और टी बराबर इन्फिनिटी पे तो मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, लेकिन 2 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, 12 सेकंड बाद, आधा सेकंड बाद, 1 नैनो सेकंड बाद, 12 मिली सेकंड के बाद क्या होगा ये नहीं पता है। मतलब टी बराबर जीरो पे मैंने बताया था कैपेसिटर वायर की तरह बिहेव करता है, टी बराबर इन्फिनिटी पे एक इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, लेकिन जीरो से इन्फिनिटी के बीच जो उसका बिहेवियर होता है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट के नाम से जानते हैं, चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। आरसी सर्किट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, चार्जिंग जो चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट है इसका जो मैं फार्मूला आपको बताऊंगा उस पर डायरेक्ट सवाल आते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट सवाल है ये मतलब आपको ये इसके फार्मूले जो मैं बनाऊंगा वो याद करने हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इस सर्किट में यहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां पर एक कैपेसिटेंस लगा दिया, ये एक बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ ई है, फिलहाल स्विच खुला हुआ है, ये आर है, ये सी है, फिलहाल स्विच खुला हुआ है, और हमने टी इज इक्वल टू जीरो पे स्विच को बंद कर दिया। टी बराबर जीरो पे स्विच को जब मैंने बंद किया तो आपको ये पता है कि शुरुआत में ये सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा, एकदम शुरू में ये सर्किट कैसा बिहेव करेगा, ये कैपेसिटर एकदम अंत में कैसा करेगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि टी समय के बाद ये कैसा बिहेव करेगा। तो मैं टी बराबर जीरो पे स्विच बंद किया, मैंने इस सर्किट के अंदर करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा, टी टाइम के बाद मैंने मान लिया कि इसका करंट आई के बराबर है, इसका करंट अगर आई के बराबर है टी टाइम के बाद तो यहां से यहां तक कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा उसको मैं वी आर बोल देता हूं, यहां से यहां तक कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा उसको मैं वीसी बोल देता हूं, और टी समय के बाद मैंने ऐसा मान लिया कि इस कैपेसिटर के ऊपर, ये जो कैपेसिटर है इसके ऊपर चार्ज क्यू हो गया। टी समय के बाद मैंने मान लिया कि भाई जब ये ऐसे धीरे धीरे करके चार्ज होता रहेगा तो टी टाइम के बाद इसके ऊपर चार्ज क्यू हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर केवीएल लगाता हूं, यहां से यहां तक केवीएल लगाऊंगा तो ई बढ़ जाएगा पोटेंशियल, फिर यहां से यहां तक जाऊंगा तो वी आर घट जाएगा, फिर यहां से यहां तक जाऊंगा तो VC घट जाएगा और ये जीरो के बराबर हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे तो VR प्लस VC इज इक्वल टू E, VR प्लस VC जो है ये E के बराबर, रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों का ड्रॉप जो है बैटरी के EMF के बराबर आ जाएगा। भाई वैसे भी कॉमन सेंस की बात है यार कि ये एक बैटरी है, इसका ड्रॉप इन दोनों को मिलेगा तो थोड़ा इसको मिलेगा थोड़ा इसको मिलेगा, इसका जो भी टोटल ड्रॉप है वो इन दोनों को थोड़ा इसको मिल जाएगा थोड़ा इसको मिल जाएगा। अब ये VR प्लस VC जो है ये E के बराबर है, तो VR प्लस VC अगर E के बराबर है तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो VR की जगह मैं लिख सकता हूं IR और VC की जगह मैं लिख सकता हूं QYC, ये E के बराबर हो जाएगा। VR जो है वो IR है और VC जो है वो QYC के बराबर है, तो ये E के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो IR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, CE माइनस Q अपॉन C। अच्छा, हम सभी लोग जानते हैं कि I जो होता है वो DQ अपॉन DT होता है, तो ये R था, I की जगह हम लिखेंगे DQ अपॉन DT इज इक्वल टू CE माइनस Q अपॉन C, ये हो जाएगा। और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे हो जाएगा डी क्यू अपॉन सी माइनस क्यू, जाएगा डी क्यू अपॉन सी माइनस क्यू इज इक्वल टू डी टी अपॉन आर सी, ये जाएगा डी क्यू अपॉन सी माइनस क्यू इज इक्वल टू डी टी अपॉन आर सी, ये हो जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट करें, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टाइम की जो वैल्यू है, मैं टी बराबर जीरो पर ने स्विच को बंद किया था तो टाइम की वैल्यू जो है वो जीरो से टी तक जाएगी और चार्ज की जो वैल्यू है वो जीरो से क्यू चली जाएगी। ठीक है, अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे
तो इसका जो इंटीग्रेशन है, जैसा मैंने बेसिक मैथ्स आपको पढ़ाया था तो वहां पर बताया था, एक बार फिर से आपको बता देता हूं मैं, ये आपके यूज में है, कभी भी फिजिक्स में इसकी जरूरत पड़ती रहती बार बार। इंटीग्रल डीएक्स अपॉन एक्स प्लस बी जो आता है, इंटीग्रल डीएक्स अपॉन एक्स प्लस बी की जो वैल्यू आती है वो आती है वन अपॉन ए एलएन ऑफ एक्स प्लस बी, ये वैल्यू आती है इसकी। अगर आप इंटीग्रल डीएक्स अपॉन एक्स प्लस बी निकालना चाहोगे तो ये वन अपॉन ए एलएन ऑफ एक्स प्लस बी आता है, प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी जो आता है वो तो आता ही है। तो अब जैसे इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x मान लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा और ये c पूरा का पूरा एक कांस्टेंट हो गया। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ln ऑफ c माइनस q लिमिट 0 टू q माइनस ln ऑफ c माइनस q लिमिट 0 टू q इज इक्वल टू t अपॉन rc माइनस एल एन सी सी माइनस क्यू लिमिट जीरो टू क्यू इज इक्वल टू टी अपॉन आर सी, ये हो जाएगा। हम इसको जब लिमिट वगैरह रखेंगे तो एक बार ये हो जाएगा एल एन सी माइनस क्यू अपॉन सी ई इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सी ई माइनस क्यू इज इक्वल टू सी ई माइनस क्यू अपॉन सी ई इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यू की वैल्यू जो आ जाएगी सी ई इंटू वन माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये चार्ज की वैल्यू हो गई। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो रिजल्ट है ये आपको याद रखना पड़ेगा, चार्ज जो आएगा वो बराबर जाएगा सी इंटू वन माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक हम जाएंगे तो पोटेंशियल ई बढ़ जाएगा, फिर यहां से यहां तक वी आर घटेगा, फिर वीसी घटेगा, तो वी आर प्लस वीसी इज इक्वल टू ई। अब जब वी आर रजिस्टर का ड्रॉप क्या होता है आई आर, कैपेसिटर का ड्रॉप होता है क्यू बाई सी, तो मैंने यहां ही लिख दिया। अब उसके बाद आई आर इज इक्वल टू सी माइनस क्यू, आई की जगह डी क्यू बाई डी टी लिखा, सॉल्व किया, फिर इसके बाद ये पूरा मैथ से पूरा इंटीग्रेट किया, सॉल्व किया, तो जो अल्टीमेट रिजल्ट आया वो इसके बराबर आया। और ये जो मैंने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया ये आपको याद करना ही है, इस पर डायरेक्ट सवाल आते हैं, ठीक है, नीट में भी डायरेक्ट सवाल आए हैं, इस पर आई टी में भी डायरेक्ट सवाल आए हैं, ठीक है, और बोर्ड वगैरह में तो खैर आते ही रहते हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग है ही, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है, याद कर लेना है। तो इसके अंदर देखिए जो फार्मूला अपने पास आया, ठीक है, टी टाइम के बाद जो चार्ज आया वो सी वन माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी आया। अब इस फार्मूले को हम लोग थोड़ा सा चेक भी कर सकते हैं कि ये फार्मूला सही आया कि गलत आया, क्योंकि हम शुरुआत में देखें इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, तो अगर मैं टी बराबर जीरो करूंगा तो इस पे चार्ज जीरो आना चाहिए। तो टी बराबर जीरो का मतलब ई टू दी पावर जीरो, ई टू दी पावर जीरो वन होता है, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा तो चार्ज जीरो आ जाएगा, तो एकदम शुरुआत में इसके ऊपर चार्ज जीरो आएगा तो ये फार्मूले से जस्टिफाई हो रहा है। अंत समय में लंबे समय के बाद इसका ड्रॉप हो जाता है जीरो, हम जानते हैं, और सारा का सारा चार्ज इसी पे आ जाता है, तो लंबे समय के बाद जो चार्ज आएगा वो सी के बराबर आएगा, जैसा हम पहले भी देख चुके हैं। तो अगर आप टी की वैल्यू इनफाइनाइट कर दोगे तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, तो चार्ज सी आ जाएगा। तो यानी अल्टीमेटली फाइनली जो चार्ज आएगा वो सी आ जाएगा, इनिशियली चार्ज जीरो आ जाएगा, और टी समय के बाद अगर आपसे कोई पूछता है तो ये चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके अंदर ये जो एक टर्म आया है ना आरसी, इस आरसी को हम लोग टाइम कॉन्स्टेंट नाम से जानते हैं। एक टर्म मैं यहां पर डिफाइन करने जा रहा हूं, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, इसको दिखाते हैं टाउ से, और टाउ की जो वैल्यू आती है ये आरसी के बराबर आती है, ठीक है। ये टाउ एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका यूनिट जो होता है वो सेकेंड होता है। टाउ की वैल्यू देखो, यहां पर जो आरसी था इसी को टाइम कांस्टेंट कहते हैं, और फिर अगर टाइम कांस्टेंट के फॉर्मेट में देखें तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू सी वन माइनस ई वन माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये हो जाएगा। और टाई टाउ आरसी के बराबर होगा, और टाउ एक टाइम कांस्टेंट होता है, और इसका जो यूनिट होता है तो यूनिट ऑफ टाउ इज सेकेंड, ये मैं यहां लिख देता हूं, इसी जगह पर लिख दे रहा हूं, टाइम कांस्टेंट जो है ये इसका यूनिट जो होता है वो सेकंड होता है, और हम लोग इसको आर इंटू सी के बराबर बोलते हैं, जहां आर उसका रेजिस्टेंस है और सी इसका कैपेसिटेंस है। अब
थोड़ा सा इस बात को फील करें हम लोग। फील करने का मतलब ये पता लगाए कि भाई टाइम कांस्टेंट कहना क्या चाह रहा है, इसको एक अलग नाम हमने क्यों दिया, भाई आरसी लिख देते। तो ये बेसिकली बताता है एक टाइम कांस्टेंट, अगर मान लो मैं टी की जगह टाऊ कर दूं, मान लो समझाने के लिए कह रहा हूं मैं, मनी मन आप इसको इमेजिन कर सकते हो, टी की जगह टाऊ कर दिया तो ई की पावर माइनस वन हो जाएगा। ई एक नंबर होता है, ई की वैल्यू होती है 2.7 के आसपास, तो ये 2.7 की पावर माइनस वन हो जाएगा, और अगर मैं टी की जगह टाऊ करूंगा तो ई टू दी पावर माइनस वन हो जाएगा। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो 0.37 आएगा, 1 माइनस 0.37 0.63 आएगा। तो क्यू की जो वैल्यू होगी, अगर टी इज इक्वल टू टाऊ, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, इफ टी इज इक्वल टू टाऊ सॉल्व करेंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.63 सीई। हम ये जानते हैं कि अल्टीमेट चार्ज, जो फाइनल चार्ज इसके ऊपर आ रहा है, वो सी के बराबर आना था, और एक टाइम कांस्टेंट में, एक टाइम कांस्टेंट के बाद जो क्यू की वैल्यू आ रही है वो इतनी आ रही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक टाइम कांस्टेंट वो समय है जिसके अंदर कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाएगा। जो फाइनल चार्ज था उसका 0.63 टाइम्स आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये कि एक टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसके अंदर कैपेसिटर जो होता है वो 63% चार्ज हो जाता है, 63% की चार्जिंग हो जाती है। तीन टाइम कांस्टेंट तक अगर मैं टी की जगह 3 टाऊ कर दूं तो लगभग ये 90% चार्ज हो जाता है, और अगर मैं 5 टाइम कांस्टेंट कर दूंगा तो लगभग ये 95% के आसपास चार्ज हो जाता है। यानी आप ध्यान से देखें तो पहले टाइम कांस्टेंट जो होगा, पहला जो टाइम कांस्टेंट होगा उसमें बहुत तेजी से चार्ज होगा, फिर दूसरे में थोड़ा धीरे होगा, तीसरे में और धीरे होगा, 5 टाइम कांस्टेंट तक ये लगभग 95% चार्ज हो जाता है, और उसके बाद जो है ये फिर धीरे धीरे करके चार्ज होता रहता है। तो ये टाइम कांस्टेंट जो है बेसिकली यही बताता है ना कि एक 63% जो चार्जिंग है उसमें कितना टाइम लगेगा, ये चीज टाइम कांस्टेंट जो है वो बताता है। अब जो टाइम कांस्टेंट है इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। अगर हम इसी का ग्राफ बनाए इसके नीचे, तो क्यू और टी का जैसे ग्राफ बनाया जाए, इधर मान लीजिए टाइम ले लिया, इधर हमने चार्ज ले लिया, तो t बराबर 0 पे e टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो चार्ज 0 हो जाएगा, और q t बराबर इन्फिनिटी पे चार्ज c के बराबर होगा। तो इसका जो ग्राफ होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है, इस टाइप का होता है, ये वाली वैल्यू c e के बराबर होती है। और जब एक टाइम कांस्टेंट बीतता है, मात्र एक टाइम कांस्टेंट, तो एक टाइम कांस्टेंट जब बीतेगा ठीक है, तब तक जो कैपेसिटर होगा वो 63% चार्ज हो चुका होगा। फील आपको ये करना है, फील करने वाली बात यह है कि शुरू में रेट ऑफ चार्जिंग बहुत ज्यादा होता है, बहुत तेजी से चार्ज होता है। एक टाइम कांस्टेंट के अंदर ये 63% चार्ज हो गया, बाकी फिर पूरा इन्फिनिटी तक ये चार्ज होता ही रहता है। तो शुरू में अगर आप इसका स्लोप भी देखें तो बहुत ज्यादा है, अगर इस ग्राफ का स्लोप देखें तो शुरू में ज्यादा है, धीरे धीरे करके इसका स्लोप कम होता जा रहा है। यानी शुरू में बहुत तेजी से रेट ऑफ चार्जिंग बहुत अधिक होता है, और बाद में जो रेट ऑफ चार्जिंग होती है उसकी वैल्यू कम होने लगती है।